So overall, in my opinion, the third row comfort of this car is much, much better than MG Hector Plus and Hyundai Alcazar. I know guys, उन दोनों cars के जितने features इस car में available नहीं है, but if you are concerned about the third row comfort, then this car is really good option for you. So in Indian car market, there's only one affordable and spacious 7-seater car is available, and it is Maruti Suzuki Ertiga, because it's actually very spacious from the inside. So as usual, in today's video, we are going to cover all the sides and all the specifications of this car in short and best way possible. And also, Ertiga andar se kitni spacious hai, uski bhi dosto hum baat karenge. So hello guys, welcome to the Automotives Cafe, and let's start the video. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फ्रंट लुक ऑफ द कार. तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्रोम स्टडेड हॉरिजॉन्टल ग्रिल देखने को मिल जाती है. फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं विथ टर्न इंडिकेटर्स. अंडरनीथ बात करें बम्पर की, तो यहाँ पे आपको हेलोजन फॉग लैम्प्स देखने को मिल जाएंगे विथ ब्लैक फिनिश्ड हाउसिंग ऑल अराउंड. नाउ मूविंग टू द साइड प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको 15-inch मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं. फिर आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड ORVMs मिल जाएंगे विथ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स. देन हियर यू विल गेट द क्रोम फिनिश्ड डोर हैंडल्स विथ रिक्वेस्ट सेंसर. अब मैं बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, तो अर्टिगा में आपको 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है. एंड अर्टिगा के डिटेल्ड डायमेंशन आप अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हो. अब बात करें रेयर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे 3D बॉक्स स्प्लिट टाइप LED टेल लैंप्स दिए हुए हैं, विच लुक्स रियली गुड. फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी. नीचे बम्पर पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स एंड यहाँ पे एक रियर पार्किंग कैमरा दिया हुआ है. एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर, रियर वॉशर एंड वाइपर भी मिल जाएंगे. नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द बूट स्पेस. तो अर्टिगा में आपको 209 लीटर की स्पेशियस बूट स्पेस मिल जाती है. एंड दोस्तों, यहाँ पे भी इसके नीचे काफ़ी अच्छी स्पेस दी हुई है. फिर डेफिनेटली आप रेयर सीट्स को 50-50 इजीली स्प्लिट डाउन कर सकते हो, तो आपको 550 लीटर की बूट स्पेस का एक्सेस मिल जाएगा. एंड अगर आप सेकेंड रोज को भी 60-40 स्प्लिट डाउन करोगे, तो यहाँ पे 809 लीटर की बूट स्पेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा. तो गाइज, ये सब हमने बातें की अर्टिगा के एक्सटीरियर लुक एंड बूट स्पेस की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर. बात करें इंटीरियर की, देन यहाँ पे स्कल्प्टेड ड्यूअल टोन डैशबोर्ड दिया हुआ है विथ मैपल वुडन फिनिशिंग. एंड दोस्तों, यही सेम वुडन फिनिशिंग आपको डोर से भी दी हुई है, विच लुक्स रियली रिच फ्रॉम द इनसाइड. अब दोस्तों, मटेरियल क्वालिटी की बात करें, देन यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी जगह पे हार्ड प्लास्टिक मटेरियल यूटिलाइज किया है. अब दोस्तों, यहाँ पे जो AC वेंट्स है वो हॉरिजॉन्टल है, जो इंटीरियर का लुक एक्चुअली में काफ़ी एनहांस भी करते हैं. अब बात करें सीट्स की, देन यहाँ पे सीट्स पर फैब्रिक मटेरियल यूज़ किया गया है, जहाँ पे ड्राइवर सीट को आप 6-way मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो विथ हाइट एडजस्टमेंट. को ड्राइवर सीट को दोस्तों आप 4-way मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो. यहाँ पे द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सीट इज दैट कि यहाँ पे ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों ही साइड आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग, देन यहाँ पे आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है. एंड स्टीयरिंग पे भी दोस्तों मैपल वुडन फिनिशिंग यूज़ की गई है. फिर दोस्तों, स्टीयरिंग के आगे आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइविंग टाइम, पावर एंड टॉर्क जैसे कई सारे इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी. फिर यहाँ पे दोस्तों 7-inch टच इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले भी अवेलेबल है विथ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड मेनी मोर. फिर यहाँ पे डिस्प्ले के नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन देखने को मिल जाएंगे. फिर अंडरनीथ 12V चार्जिंग सॉकेट एंड एक USB एंड ऑफ का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है.
फिर यहाँ पे दोस्तों दो कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे विथ एसी वेंट्स, फिर यहाँ पे एडजस्टेबल आर्मरेस्ट अवेलेबल है विथ सम एक्स्ट्रा कबी स्पेस। एंड एर्टिगा में जितने भी सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल हैं उन सभी की लिस्ट आप अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अब बात करें सेकंड रो कंफर्ट की, तो एज ऑलवेज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, माय हाइट इज 5.8 एंड ड्राइवर सीट को मैंने मेरे हाइट के हिसाब से ही एडजस्ट किया हुआ है एंड देयर इज गुड अमाउंट ऑफ लेग रूम। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड एंड जैसे कि आप भी देख ही सकते हो हेडरूम दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। अब यूटिलिटी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं जिनके ब्लोअर की स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। सेंट्रल कंसोल में आपको थोड़ी बहुत कभी स्पेस दी हुई है एंड जहाँ पे आपको एक 12V चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा। अब सीट्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हो, यहाँ पे सीट्स को आप ऐसे रिक्लाइन भी कर सकते हो। अब दोस्तों ये सब मैंने बात की सेकेंड रो कम्फर्ट की, नाउ लेट्स चेक आउट द थर्ड रो कम्फर्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रो कम्फर्ट। सो ये सीट को दोस्तों मैंने मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है एंड आई वुड से यहाँ पे लेग रूम एंड अंडर द सपोर्ट एंड हेड रूम अच्छा अवेलेबल है। आई वोंट से कि काफ़ी अच्छा अवेलेबल है बट इट्स डिसेंट इनफ टू सिट कम्फर्टेबली। फिर यहाँ पे दोस्तों एर्टिगा में सभी जगह आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे दोनों साइड आपको एक इंडिविजुअल कप होल्डर दिया हुआ है एंड लेफ्ट हैंड साइड आपको एक 12V चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल इन माय ओपिनियन द थर्ड रो कंफर्ट ऑफ दिस कार इज मच मच बेटर देन MG Hector प्लस एंड Hyundai Alcazar। आई नो गाइस उन दोनों कार्स के जितने फीचर्स इस कार में अवेलेबल नहीं है बट इफ यू आर कंसर्न अबाउट द थर्ड रो कंफर्ट देन दिस कार इज रियली गुड ऑप्शन फॉर यू। बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन Ertiga टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ये सब हमने बातें की इस कार के कंफर्ट की एंड इंटीरियर की, तो चले अब इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस। तो Ertiga में आपको 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 103 हॉर्स पावर एंड 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड इस इंजन के साथ आपको 5-स्पीड मैनुअल एंड 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात करें कलर ऑप्शंस की, तो ये हमारे पास मेटालिक मैग्मा ग्रे कलर है एंड उसके अलावा आपको और 4 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड अब मैं फाइनली बात करूँ प्राइसेस की, तो Ertiga के हर एक वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइसेस एंड ऑन रोड प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। सो गाइज, दिस वॉज द 360 डिग्री वॉक अराउंड वीडियो ऑफ द मारुति सुजुकी Ertiga। I hope guys you liked our video and agar guys video pasand aaye then make sure to hit the bell icon and subscribe our channel. So this is the Automotive Cafe and we will catch you in the next one.